मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। ठीक कहा तुमने। ठीक तो हो ना तुम ईशम? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? घर जाके बता देना मुझे। हाँ ठीक है मेरी जान, ठीक है। अरे तो फैल भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ ना तुम। मैंने इतनी मुश्किल से उन्हें समझाया है, कहीं मूड खराब ना हो जाए उनका। चलो जाओ जाओ जल्दी से। तुम्हें अच्छी लड़की हो यश, लेकिन तुम्हारा दिल टूट जाएगा। ठीक हो ना मेरी गुड़िया? जी मेरे भाई, और आप? अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं। क्या तुम आज रात तक यहीं छुपी रहोगी? चले गए, मैं देख रही थी कि कहीं वापस ही ना आ जाए मेरे भाई, पता नहीं चलता है ना इन लोगों का। यश मेरी जान, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया है, ठीक हो ना तुम? अरे हाँ ठीक हूँ, सब मुझसे यही क्यों पूछे जा रहे हैं कि ठीक हो ठीक हो? पहली बात कि तुफैल भाई इतने डरावने नहीं है जितने कि तुम लोग सोचते हो, बड़े हैं इसीलिए बस वो ऐसा एक्ट करते हैं। उसके अलावा बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, उनकी आंखों में दिखता है कि वो कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अरे वो बहुत अच्छे हैं, पता है? आपको भी पता चल जाएगा। ओ, लगता है दोनों को प्यार व्यार हो गया है। पता नहीं ऐसा है क्या डेफिने? बस ठीक करो यालन। देखो तो कैसे बारिश हो रही है। अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ बताओ, कितना प्यार करती हो मेरे भाई से, बताओ ना। डेफिने, वैसे तुम भाई की गोद में ना बहुत ही क्यूट लग रही हो। यालन चलो अब नीचे उतारो मुझे प्लीज। एसगी, आज रात तो तुम्हारी शिफ्ट भी होगी है ना, तो फिर हम दोनों यहाँ पर अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? हमें तो वापसी के लिए अपना सामान पैक करना चाहिए। देखो जरा काम इसका है और इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी सहेली का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो अब चलो हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्या सिचुएशन से भागने के लिए क्या कुछ बोलना पड़ता है।